नमस्कार आप देख रहे हैं एस पी एन आई न्यूज़ मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने राजस्थान के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजनीतिक गठजोड़ जो है वो लगातार शुरू हो चुका है बहुत कम वक्त रह चुका है राजस्थान में चुनाव होने को और जाहिर सी बात है ग्यारह दिसंबर को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे लेकिन सवाल वहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से जाति और धर्म को लेकर लगातार राजनीति चल रही है वो अपने आप में एक अलग तरीके का विषय है तो ऐसे में आज हम बात करेंगे राज मेवाड़ की कि आदिवासियों की राजनीतिक सक्रियता ने मेवाड़ वागड़ का सियासी समीकरण बदल दिया है पूरा पहले आदिवासी जो थे वो जो परंपरागत जो ट्रेडिशनली थे वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे लेकिन वक्त बदलता गया फिर उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया लेकिन आज के वक्त में आदिवासियों का ना बीजेपी पर भरोसा है ना कांग्रेस पर भरोसा है उन्होंने अपना एक दल बना लिया है उसके पीछे की वजह यही है उनको ये लगता है आदिवासियों को कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और दोनों पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हैं तो मैं आपको थोड़ा सा वो पूरा बताऊंगा कि आखिर आदिवासी किसके साथ जाने वाले हैं इस चुनाव में पूरा हम विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आदिवासी अब इस दो के चुनाव में किसको वोट करेंगे साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि आ, कभी डूंगरपुर सबसे पहले हम पहुंचेंगे डूंगरपुर कभी महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला मेवाड़ इलाके का आदिवासी तबका आज राजपूतों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा है जी हाँ आज चुना आदिवासी जो है मे, मेवा, जो राजपूत हैं उनके लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास में महाराणा प्रताप के बाद अगर किसी का नाम सम्मान से लिया जाता है तो उनके साथ युद्ध में रहे भामाशाह और भील राजा राणा पूंजा था जी हाँ पिछली कई सदियों के साथ रहते आए राजपूत और भील आदिवासियों के बीच जो सौहार्द और भरोसा रहा है वो इन दिनों दरकता दिखाई दे रहा है ख़ासकर मौजूदा चुनाव में इस इलाके के आदिवासियों ने सिर्फ अपनी अलग पार्टी बनाई है बल्कि वो मेवाड़ वागड़ इलाके का सियासी समीकरण समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश में है यानी जो पूरा आदिवासी जो भील आदिवासी थे और राजपूतों का एक जो दोस्ताना संबंध था वो इस चुनाव में थोड़ा सा दरकता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आदिवासियों ने अपना एक अलग संगठन बना लिया है जाहिर सी बात है जब कोई भी आ, समाज जो है अपना अलग संगठन बनाता है उसके पीछे की वजह यही है उनको ये लगता है कि वो हाशिए पर जाते जा रहे हैं या उनको हाशिए पर पहुंचाया जा रहा है तो इस वजह से आ, जो है वो संगठन बना लेते हैं लोग अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि डूंगरपुर परिवार के सदस्य और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि वो सच है कि पिछले दिनों यहाँ आदिवासियों को राजपूतों से टकराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं हालांकि कुछ घटनाएं डूंगरपुर में राजपूतों को ये बात कही गई है बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन सिंह के द्वारा के राजपूतों और उनके बीच थोड़ा सा टकराव देखने के मिला है इसके इसे बदलते माहौल के संकेत के तौर पर देखते हैं जो बागड़ के सामाजिक माहौल के लिए अच्छा संकेत नहीं है लेकिन वो मानते हैं कि जो बागड़ में आदिवासी अपना संगठन बना रहे हैं वो एक अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं खास करके बीजेपी के लिए साथ ही साथ Uh, उनका ये भी कहना है कि कुछ युवा जो हैं भटकाव उनके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो जो आदिवासी युवक हैं उनका जो भटकाव है वो उनके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है उनका कहना है कि आज हमारे यहाँ जब कोई राज तिलक होता है तो उसका तिलक पास के गाँव का भील राजा ही करता है उसके तिलक के बिना हमारी राज तिलक प्रतिक्रिया पूरी ही नहीं, नहीं होती कुछ युवकों में जो भटकाव आ रहा है वो सैकड़ों सालों से चले आ रहे है हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं होगा थोड़ा समझने की ज़रूरत है उनका कहना यह है कि जो राज तिलक उनका होता है वो भील आदिवासी कहीं करता है लेकिन अब आजकल युवा थोड़े से बदल रहे हैं खास करके आदिवासी जो युवक हैं वो थोड़ा समझ रहे हैं तो ऐसे में तो राज्य बीजेपी का कहना है कि भाई अब जो है ये अगर वो लोग भटक भटक रहे हैं तो ये उनके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों ठीक नहीं है क्या अब जो नीची जा लोग हैं या जो पिछड़ा समाज है क्या वो लोग ऊपर उठकर आ रहे हैं तो क्या उच्च जातियों को लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये भी एक समझने की बात है अब सियासी समीकरण क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा असल में कुल 28 सीटों में से मेवाड़ की कुल 28 सीटों में से 16 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं जी हाँ मेवाड़ की अट्ठाईस सोलह जो सीटें हैं उसमें सोलह जो हैं वो आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए अभी तक यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से जनजातीय उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते रहे लेकिन हाल ही में आदिवासियों को यह महसूस हुआ कि हर राजनीतिक दल उनका फायदा उठाकर स्वार्थ सिद्ध कर रहा है यानी साफ तौर तो पर कह सकते हैं कि उनको लगता है कि उनका स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है मेवाड़ इलाके से जिला प्रतापगढ़ की दो उदयपुर की पांच, बांसवाड़ा की पांच और डूंगरपुर की पांच सीटें जाती हैं जिनमें बहत्तर फीसदी से अस्सी फीसदी आदिवासी आबादी रहती है वहीं इससे पहले जो थी वो कांग्रेस थी और बीजेपी अभी तक आदिवासी पारंपरिक पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बीजेपी पर लोग अपना भरोसा जता रहे थे धीरे धीरे आदिवासियों को महसूस होने लगा कि हाँ दोनों ही पार्टियाँ उनका फायदा उठाकर स्वार्थ उठा रही यानी दोनों को महसूस हुआ कि भाई उनका इस्तेमाल हो रहा है इसलिए उनको ने अपना एक संगठन बनाया और साफ तौर तो पर कहा गया कि भाई अब शायद थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों ने यहाँ अपना अलग मंच बनाने की कवायद शुरू कर दी असल में मंच की कवायद शुरू कैसे हुई थी ये थोड़ा समझना होगा दो में एक छात्र संगठन बनाया गया था दो में आदिवासी युवाओं ने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया था और देखते देखते इस मोर्चे ने डूंगरपुर और आसपास के कॉलेजों में तीन से चार छात्र संघ चुनाव जीत लिए अब वो कुछ समय बाद इसी मोर्चे ने अपने यहाँ के सीनियरों से कहकर एक अलग राजनीतिक मंच बनाने का आग्रह किया और साथ ही साथ इस जिसके बाद इस इलाके में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का जन्म हुआ आज बीटीपी ने सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए यानी जो बीटीपी जो पार्टी है ट्राइबल पर जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसने अपना वर्चस्व कायम किया वहीं साथ ही साथ आदिवासी विद्यार्थी मोर्चे की ओर से डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के छात्र चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल करने वाले और कॉलेज संघ के अध्यक्ष दिलीप कालसुआ का इस बारे में क्या कहना है उन्होंने कहना है कि आज़ादी के बाद से कभी भी राजनीतिक दलों ने हमारी नहीं सुनी उनका यह कहना है कि भाई हमारी अनसुनी की जाती थी हमारे ऊपर भले ही उनके समीकरण उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे लेकिन इन लोगों को जन, जनरल क्लास वाले राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से चलाया यानी जो जनरल क्लास के लोग थे जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इनको ऑपरेट किया Uh, का कहना है कि इलाके में राणा गुंजा की प्रतिमा भी लगी विभिन्न दलों के राजनेताओं ने पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर दिया और आदिवासी लोगों को उनकी प्रतिमा पर माला पर पहनाने नहीं दी गई थी ये बात छात्र संघ के अध्यक्ष ने कही थी साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आपको इस इलाके में आदिवासियों को गुजरात के आदिवासियों से काफी मदद मिल रही है हालांकि कुछ जो आदिवासी हैं उनको काफी मदद मिल रही है गुजरात के आदिवासियों से जो चुनावों में गुजरात के बड़े आदिवासी चेहरे छोटू भाई वसावा को काफ़ी सक्रिय देखा गया अभी पिछले दिनों छोटू भाई वसावा एक सुसमे थे जहां पर कांग्रेस की पार्षद से उनकी कुछ कहा सुनी भी हो गई थी साथ ही साथ बीटीपी के अध्यक्ष केलाराम गोदरा हैं जो डूंगरपुर से बीपीटी की ओर से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और बी विद्यार्थी मोर्चे के जनाधार पर पूरी ताकत से मेवाड़ के आदिवासी इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अब फिलहाल बीपीटी भी सक्रिय है और जिस तरीके से लगातार जो है वो मेवाड़ की राजनीति बदलती जा रही है खास करके पूरे राजस्थान की राजनीति बदलती जा रही है हालांकि जो सामान्य वर्ग मान रहा है कि आदिवासी यूथ जो है वो अपनी ताकत पाकर रास्ते से भटक रहा है उन्हें आशंका है कहीं इससे सामाजिक समर्थता पर खतरा ना बढ़ जाए हालांकि जो उच्च जाति के लोग हैं उनका ये मानना है कि भाई जो आदिवासी हैं वो उनके युवा भटक रहे हैं फिलहाल हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री ने भी इस बारे में प्रचार के लिए आदिवासियों ने अपने गांव में घुसने नहीं दिया नाम ना तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हैं आदिवासी पढ़ लिख रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बड़ी समस्या है जो पूरे देश के लिए समस्या बनी हुई है जिससे एकजुट होकर दबंगई करने लगे हैं इनका आतंक बढ़ रहा है काफ़ी और कुछ वक्त पहले डूंगरपुर महल उदय बिलास के मेन गेट और पहरेदारों पर रात के अंधेरे पत्थर फेंकने की घटनाएँ भी हुई थी तो ये पूरा जो मेवाड़ का मैंने आपको बताया है ये जो तस्वीर आपको बताई है ये कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली है और इससे साफ़ हो रहा है कि मेवाड़ जो है वो अब राजनीति की एक अलग परिभाषा लिखेगा अब जिस तरीके से आदिवासी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो इससे आगे मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बदल जाएगा और आने वाली चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर अब होना क्या है फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें राजस्थान के चुनाव में देखने को मिल रही हैं लगातार राजस्थान के चुनावों में जोर जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी रुझाने की कोशिश हो रही है लेकिन आदिवासी समाज लगातार अपने आप को कह रहा है कि वो आगे बढ़ेगा और कोशिश करेगा और काफी सक्रिय रहा है तो फिलहाल जिस तरीके की चीजें हमें मिल रही हैं देखने को उससे अंदाजा लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो आदिवासी का जो एक छात्र संगठन है वो भी काफ़ी सक्रिय हुआ है आने वाले वक्त में शायद हो सकता है कि वो भी अपने आप को मजबूत साबित कर दें तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और नए अपडेट के साथ राजस्थान के चुनावों को लेकर हमारी आप तक एक एक, एक अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं उसके एक एक जो मेन मेन सीटें हैं जो गांव हैं वहां तक हम आपकी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे ही आप हमें अपने साथ बनाए रखिए और साथ ही साथ हम आपको हर एक ख़बर देने की कोशिश करेंगे तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए एस पी न्यूज़ नमस्कार